Good morning, friends. Today we will study indecent representation of woman prohibition act 1986. महिलाओं का अभद्र विरूपण अभद्र रूपण की रोकथाम अधिनियम 1986। पहले समझते हैं ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। अच्छा, पहले ये बता दूं कि ये एक्ट जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होता है, लॉयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एज अ पब्लिक भी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि क्या किस तरह की चीज को इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है। बेसिकली आपने कई बार एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, इन मेनी एडवर्टीजमेंट्स, बीट कोका कोला, बीट कोल्ड ड्रिंक और ड्रेस और शूज और वर्ड्स एवर, इन मेनी एडवर्टीजमेंट्स वुमन इज गिविंग द एड, वुमन इज इन द मैन एक्ट to advertise anything. While advertising these things, woman, body of woman is used in different manners. Sometimes it may be indecent to woman, disrespectful to the woman, or this may manipulate the mind of the people who are watching these advertisements. लोगों के देखने वालों के mind और mind को दूषित करने वाले advertisement कई बार पेश किए जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, अभद्र रूपण है, अभद्र तरीके से महिलाओं को पेश करना है, उसको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था 1986 में। तो यह एक्ट मुख्यतः बात करता है विज्ञापन के माध्यम से या पब्लिकेशन के माध्यम से महिलाओं के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को रोकने में, इसको नोटिफाई किया गया बात। तो अब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं, तो इसमें सबसे छोटा सा एक्ट है ये, इसके अंदर मात्र 10 सेक्शंस हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 10 सेक्शंस, 10 सिर्फ 10 सेक्शन का एक्ट है ये। इसके अंदर कोई भी पार्ट या चैप्टर्स नहीं है, सीधा 1 to 10 सेक्शंस है। 1 to 10 सेक्शंस में क्या क्या है, पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट की, इसका नाम क्या होगा, कहाँ लागू होगा, कब लागू होगा। सेक्शन 2 है जो डेफिनेशंस की बात करती है। सेक्शन 3 है वो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, महिलाओं के अभद्र रूपण की रोकथाम विज्ञापन के माध्यम से करने को रोकती है। सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग, ऊपर वाली 3 बात कर रही थी एडवर्टीजमेंट की, 4 बात कर रही है पब्लिकेशन की। Sending by post, books, pamphlet containing indecent representation of woman, मतलब ऐसे विज्ञापन, ऐसे publication या प्रकाशन को रोकने के लिए books हो चाहे pamphlet हो, जो जिसके अंदर indecent representation of woman हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ये तो prohibition जब हो गई तो उसको लागू कैसे करेंगे आप, इसके लिए किसी को power देनी होती है। तो power to enter and search किसको दी गई है, वो सब आगे हम detail में पढ़ेंगे। अब इस act के प्रावधानों का उल्लंघन कोई करेगा तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, वो सेक्शन 6 में है। अगर कंपनी अपराध करती हो तो किस तरह से कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वो सेक्शन 7 में है। ऑफेंसेस के संज्ञेय होंगे कि जमानती होंगे कि नहीं होंगे, वो सेक्शन 8 में है। वैसे बहुत सिंपल है, इसमें इसके ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल यानी कि गैर संज्ञेय अपराध होंगे, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है अपराधी को, और बेलेबल होंगे, जमानती अपराध होगा जो 436 CRPC में पढ़ते हैं। सेक्शन 9 कोई व्यक्ति अगर गुड फेथ में काम कर रहा है तो उसके हितों की रक्षा के लिए सेक्शन 9 है। और सेक्शन 10 है पावर टू मेक रूल्स, इस एक्ट को लागू करने में रूल बनाने का पावर किसको होगा, यह है सेक्शन 10 में। अब हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। यह है इसका ऑब्जेक्टिव, अगर हमको ऑब्जेक्टिव पता है तो हम इस एक्ट के सारे सेक्शन को ऐसे ही समझ जाएंगे। यह एक्ट क्या बोल रहा है, द एन एक्ट टू प्रोहिबिट, रोकने की बात कर रहा है, मना करने की बात कर रहा है। ये एक्ट किसके लिए है, दिस इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट, मना करने के लिए है, ये रोकने के लिए है, क्या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, महिलाओं का अभद्र रूपण, कैसे, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स विज्ञापनों के माध्यम से और इन पब्लिकेशंस में, कोई भी प्रकाशन हो सकते हैं, जैसे राइटिंग में हो या पेंटिंग में हो या फिगर में हो और किसी भी तरीके से हो, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, और इससे जुड़े मामलों के लिए। यही प्रोहिबिशन हम आगे सेक्शन 3 और 4 में भी पढ़ेंगे। कुल मिला के महिलाओं के अभद्र रूपण को रोकने के लिए एक्ट लाया गया है
और ये एक्ट रोकेगा कैसे, विज्ञापनों को, विज्ञापनों में अगर कोई ऐसा अभद्र रूपण है तो उसको रोकने के लिए है, और प्रकाशनों में कोई अभद्र रूपण है तो उसको रोकने के लिए है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब जब ये ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया तो इस एक्ट में अब कुछ भी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो जो प्रावधान आवश्यक होंगे वही प्रावधान इस एक्ट में आगे आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं वन बाय वन। सेक्शन वन, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट का नाम क्या होगा? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये कहाँ लागू होगा? पूरे भारत में लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे भी ये एक्ट लागू होता है। और इसका प्रभाव में आएगा जिस दिन इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है जी, कब नोटिफाई किया गया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 25 सितंबर को, 2 अक्टूबर 1987 इसकी इफेक्टिव डेट बताई गई कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इतना से याद रखना है। 1986 में पास हुआ, उसके अगले साल 1987 के 2 अक्टूबर को ये प्रभाव में आया। और ये नोटिफाई कब हुआ? 25 सितंबर 1987 को। तो ये दो डेट यहाँ पर याद रखने की, 25 सितंबर 1987 को ये पब्लिश हुआ और उसके 7 दिन बाद यानी महात्मा गांधी के बर्थडे पे ये एक्ट फोर्स में आ गया भारत के अंदर। ठीक है जी, ये हो गया। अब आता है सेक्शन टू। सेक्शन टू में सेक्शन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बाकी भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन क्या होता है, हम देखते हैं विज्ञापन कैसे होता है। विज्ञापन अखबार में भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, मेल में भी आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। विज्ञापन क्या होता है? बेसिकली किसी चीज को बेचने के लिए एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है, है ना, उसी को हम विज्ञापन कहते हैं, जिसको हम आंखों से देखते हैं। जैसे, और इसमें क्या क्या शामिल होगा? एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, जिसे किसी चीज में जिसको लपेटा जाता है, और अदर डॉक्यूमेंट। कोई मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बना के उसको ऊपर चिपका दिया। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाई मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। पेपर पे छपा हुआ विज्ञापन तो है ही, लाइट से या साउंड से या धुएं से या गैस से बनाया गया कोई प्रेजेंटेशन है जो आंखों से दिखता है, वो भी एडवर्टीजमेंट है। क्लियर? अब आता है बी, सबसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी शामिल है, चाहे वो सैंपल आपने फ्री में दिए हो या पैसे लेकर दिए हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसेक्शन सी में, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन होता क्या है पहले तो ये पता चले, ये पता चलेगा तभी तो एक्ट लागू होगा। अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा है तो इस एक्ट का लागू होने का सवाल पैदा नहीं होगा। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? इसका मतलब है डिपिक्शन, प्रकटीकरण, किसी चीज का प्रस्तुत करना, दिखाना, इन एनी मैनर ऑफ द फिगर, किसी भी तरीके से प्रस्तुत करना, दिखाना ऑफ द किस चीज को, फिगर ऑफ अ वुमन, महिला का फिगर, महिला की आकृति को, हर फॉर्म, उसके बॉडी की आकृति को, ऑफ बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, बॉडी या उसके किसी पार्ट को दिखाना किसी ऐसे तरीके से, कैसे तरीके से वो आगे आएगा, मेरे बार दे रहा हूँ, इन सच अ वे, इस प्रकार से, ये भाई वे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपने दिखाया, क्या दिखाया से ज्यादा कैसे दिखाया वो इम्पोर्टेंट, इन सच अ वे एज टू हैव, इस तरीके से दिखाया कि एज टू हैव इफेक्ट, जिसका ये प्रभाव पड़ सकता है कि वो इनडिसेंट हो, अभद्र हो, उसका ऐसा जो आपने दिखाया किसी भी उसको, उसका प्रभाव ऐसा हो कि वो इनडिसेंट हो, अभद्र हो और डिरोगेटरी हो, अपमानजनक हो, और डिनिग्रेटिंग वुमन और इस और महिलाओं के, इसका अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी स्त्री स्त्री अशिष्ट रूपण का मतलब होता है किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसे किसी अंग का किसी ऐसी रीति से या ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, इनडिसेंट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, डिरोगेटरी हो और डेनिग्रेटिंग हो, निंदनीय हो, ये तीन चीजें आ रही है, तो वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होगा या
जिसमें लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो, या विज्ञापन में जिस तरह से दिखाया जा रहा है उससे लोक नैतिकता, लोगों में नैतिकता या उनके आचरण को वो विज्ञापन भ्रष्ट कर दे, विकृत कर दे या क्षति कर दे, तो वो भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो लास्ट लाइन है इसकी इंग्लिश में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी और इज लाइकली टू डिप्रेव, जिसमें इस तरह की संभावना है, क्या लाइकली टू डिप्रेव कर सकता है, करप्ट कर सकता है, इंजर कर सकता है द पब्लिक मोरालिटी, लोगों की नैतिकता और मोरल्स। तो ये सब प्रभाव अगर आते हैं, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन माना जाएगा। अगर ये हो गया तभी एक्ट लागू होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है लेबल। लेबल तो सिंपल हमने देखते हैं, किसी बॉक्स का लेबल हो सकता है, वही लेबल है। लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टाम्प्ड, प्रिंटेड, ग्राफिक, मैटर अफिक्स टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज। खत्म। ई है पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है? बॉक्स। पैकेज में जिससे हम सब जानते हैं, ये पैकेज का मतलब होता है बॉक्स। हो सकता है कार्टून, हो सकता है टिन, हो सकता है अदर कंटेनर, हो सकता है किसी भी चीज के अंदर बॉक्स टाइप का जिसके अंदर चीज को रखा जाता है, वो कंटेनर पैकेज है, पैकेज है। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है जो भी इस रूल में, इस एक्ट में रूल्स प्रेस्क्राइब करते हो। दैट्स इट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या बोलती है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। नो पर्सन शैल पब्लिश, ये मना कर रहा है क्या? नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन और एग्जिबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन एनी फॉर्म। ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई प्रकाशन नहीं करेगा, सॉरी, कोई भी, हाँ, कोई भी ऐसा विज्ञापन या पब्लिकेशन या एग्जीबिशन है, किसी भी विज्ञापन को इस तरह से पब्लिश नहीं करेगा या एग्जिबिट नहीं करेगा या पब्लिश करने में सहायता भी नहीं करेगा, जिस विज्ञापन में, किसमें, जिस विज्ञापन में महिलाओं का अभद्र रोपण हुआ हो, बस ऐसे विज्ञापन को रोकने की बात कर रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या बोलता है? ये पब्लिकेशन की बात कर रहा है, ऊपर वाला विज्ञापन की बात करता था, 4 पब्लिकेशन की बात करता है। कंटेक्स्ट क्रक्स बात का वही है। सेक्शन 4 क्या बोलती है? नो पर्सन शेल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर Which contains indecent representation of woman in any form? क्या बोल रहा है ये? कोई भी व्यक्ति न तो ऐसा प्रोडक्शन करेगा, न प्रोडक्शन करवाएगा, न बेचेगा, न किराए पे देगा, न वितरण करेगा, न सर्कुलेट करेगा, न डाक से भेजेगा, किसी भी, न बुक को, न पेम्पलेट को, न पेपर को, न स्लाइड को, न फिल्म को, न राइटिंग को, न ड्रॉइंग को, न पेंटिंग को, न फोटो को, या किसी भी प्रेजेंटेशन को या फिगर को जिसमें महिलाओं का अभद्र रोपण हुआ हो। तो ये बात हो गई सेक्शन 4 में पब्लिकेशन की। ऐसे पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर रहा है जिसमें महिलाओं का अभद्र रोपण हुआ हो। अब बात आती है इसमें क्या कोई इसका अपवाद है? ऐसे ब्लैंकेट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा है जो जरूरी भी हो। तो इसके लिए सेक्शन 4 के अंदर ही एक्सेप्शन दिए हुए हैं, अपवाद दिए हुए हैं कि जब ये लागू नहीं होगा। ठीक है जी। यही अपवाद आप आईपीसी के सेक्शन 294 में भी पाएंगे, वही उठा के ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर इस एक्ट में लाया गया है। तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। ठीक है जी। जब सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा, क्या एक्सेप्शन है? ए ए में है एनी बुक, पेम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। इसके अंदर क्या है? 1, 2 देखते हैं। नंबर 1, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर? दैट सच बुक, पेम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट में है? साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। कोई भी ऐसा पब्लिकेशन अगर वो जस्टिफाइड है लोक कल्याण के लिए, पब्लिक गुड के लिए, किस आधार पर? कि ऐसा कोई भी जो बुक, पैम्पलेट, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग एक्सेट्रा है, वो किसके इंटरेस्ट में है? साइंस के, विज्ञान के, साहित्य के, कला के और सीखने के लिए या अदर सामान्य लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है,
तभी वो जस्टिफाइड है, तब उस पर ये सेक्शन 4 का प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज अप्लाई होगा। तो पहला अपवाद ये हो गया, लोकहित में होना चाहिए। दूसरा क्या है, विच इज कैप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर द रिलीजियस पर्पजेस, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए सदविश्वास में जिसको रखा गया है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए गुड फेथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं पागल बनाने के लिए कुछ भी उसमें डाल दिया। ठीक है, अब आता है ए के, हमने दो अपवाद पढ़े, यहाँ पर तीन अपवाद है, ए बी सी। ए ऊपर हो चुका था, ये बी है और ये सी है। ए के अंदर दो थे, अब बी के अंदर भी दो है। बी के अंदर क्या है, ये भी अपवाद है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड एनग्रेव्ड पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड और इन, अब कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो किसी के अंदर है, छपा हुआ है या गुदा हुआ है, किसके अंदर, एनी एंशंट मोन्यूमेंट, प्राचीन मोन्यूमेंट के अंदर, within the meaning of ancient monument and archaeological sites and remains act, ancient monument and archaeological sites and remains act के अंदर जो ancient monument है, प्राचीन monument है, उसके परिभाषा में आता हो, या any temple or any car, कोई भी मंदिर या car जिसको use किया जाता है मूर्तियों को रखने या लाने ले जाने में धार्मिक purpose से, तो वहां पर भी सेक्शन 4 की प्रोहिबिशन लागू नहीं होगी। चाहे इससे कॉमन सेंस की बात है, अगर अब मंदिर में भी कई तरह की मूर्तियां प्राचीन जो महत्व को प्रकट करती हुई होती हैं, तो उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को आप अप्लाई करेंगे तो वो नेचुरली अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट हो जाएगा। तो अगर किसी कार पर भी अगर बैन लगा देंगे तो मूर्तियों को इधर से उधर लेके जाना होगा या कहाँ पर कहीं पर ट्रांसफर करना होगा, तो फिर कैसे अप्लाई होगा। इसलिए सेक्शन 4 में ये दो एक्सेप्शंस हैं। अब तीसरा एक्सेप्शन क्या है इसका, बी के बाद सी, इन फिल्म, कोई भी फिल्म, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल, जहां पर सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के पार्ट 2 में जहां अप्लाई होता है, वहां पर भी कोई फिल्म है उसके ऊपर भी सेक्शन 4 का प्रोहिबिशन लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अलग अरेंजमेंट है सेंक्शन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया सेक्शन 3 और 4 में प्रोहिबिशंस। अब आते हैं हम सेक्शन 5, अगर ये प्रोहिबिशंस तो है तो उसको लागू करने के लिए क्या करेंगे, क्या पावर होगा, तो पावर टू एंटर एंड सर्च, प्रवेश करने और सर्च करने का पावर इस सेक्शन 5 में दिया गया है। दो पावर इसके अंदर है, एंटर करने का, सर्च करने का। अब किसको क्या पावर होगी हम इसको समझते हैं, आइए। सब्जेक्ट टू रूल सच रूल्स एज बीन प्रेस्क्राइब्ड, एनी गजेटेड ऑफिसर, कोई भी राजपत्रित अधिकारी, कौन सा, ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया फॉर विच ही इज सो ऑथराइज्ड, कोई भी गजेटेड ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज किया है, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, एक्ट सेंटर का है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, अपने लोकल लिमिट्स में क्या क्या काम कर सकता है, ये तीन काम करेगा, एंटर, सीज, एग्जामिन, घुसेगा, जब्त करेगा, जांच करेगा, सिंपल, ये तीन बात ध्यान रखनी, बाकी हम पढ़ देते। एंटर एंड सर्च all at all reasonable times with such assistance if any as he considers necessary any place in which he has reason to believe that an offence under this act has been or is being committed, wo usko jahan par bhi ye paryapt karan ho vishwas karne ka ki is act ke antargat apradh hua hai ya ho raha hai wahan par wo pravesh kar sakta hai aur search kar sakta hai, theek hai ji। dusra seize karega, jabt karega, kya karega, advertisement और बुक, पेम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, घुस तो गया ही वहां पर, अब वहां पर जाके क्या करेगा, वो जब्त कर लेगा किन चीजों को, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच ही हैज रीजन टू बिलीव, ऐसे फोटो वगैरह या सब चीजें जिनको ऊपर उसको विश्वास करने का कारण है कि उनमें इस प्रोविजन के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, कोई पेम्पलेट है जो इस एंगल एक्ट के उल्लंघन में छापा गया है, कोई कागज है, कोई फिल्म है, वो सब एक्ट के उल्लंघन में छापी गई है, तो उनको वो जब्त कर लेगा। ठीक है, अंदर घुसा, सर्च किया, जब्त कर लिया, अब क्या करेगा, अब उनको एग्जामिन करेगा, चैन है चीजों की, कुछ नहीं है इसके अंदर, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन ए एंड सीज द सेम इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश एविडेंस, और कुछ सीज कर लेगा अगर उसको ये विश्वास होता है कि ये एविडेंस में काम आ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट डवेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, किसी के घर में आप नहीं घुसोगे, समझे, किसी के घर में बिना वारंट के आप नहीं घुसोगे इसके अंदर। ठीक है जी, वारंट लेके ही घुस पाओगे।
provided that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article or thing which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or saleable value thereof. मान लीजिए कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसको किसी और के साथ है, वो इनडिसेंट है कुछ, उसपे डिसेंट है, दोनों को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तब आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी जब्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अलग 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 किया जा सकता है तो फिर आप उसी को लो जो आपको एविडेंस के लिए जरूरी है, सिंपल इसका मतलब ये। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल सो फार एज मे बी apply to any search or seizure under this act as they apply to any search or seizure under the authority of a warrant issued under section 94. सीधी से बात है, अब search and seizure के जब अंदर जाएंगे तब section 94 CRPC के प्रावधानों का पालन करेंगे, that's it. Where आप मतलब जो भी officer authorized है, कहने का मतलब ये है, where any person seizes anything so and so, he shall as soon as inform the nearest magistrate and take his order. तो अब जिस व्यक्ति ने, जिस ऑफिसर ने सब सीजर वगैरह किया है, वो nearest magistrate को सूचना देगा और उनका आदेश लेगा कि उनको कस्टडी उसको करनी है, that's it. अब आ गए आप सर्च एंड सीजर के बाद, उसके बाद होता है पेनल्टी, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या करोगे, सेक्शन 6 है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो 10 एक्ट का सेक्शन है, हर एक सेक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी ठीक है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 3 और 4, चार और सेक्शन 3 और 4 का जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा, कोई भी व्यक्ति, शैल बी पनिशेबल और फर्स्ट कन्विक्शन, देखो पहली बार करेगा तो क्या और दूसरी बार करेगा तो क्या, पहली बार करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक जेल भेज सकते हैं उसको, एंड विद फाइन, और जुर्माना भी लगेगा साथ में, ठीक है जी, और नहीं यहाँ पर एंड है, विच मे एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। आपने पहली बार अपराध किया, फर्स्ट अपराध किया तो 2 साल की जेल, 2 साल तक की जेल, ठीक है जी, या 2000 रुपए जुर्माना, ये चीजें हो सकती हैं पहली बार अपराध किया तो, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट, लेकिन आप सुधरे नहीं, आपने फिर अपराध किया, सेम चीज आपने दोबारा अपराध किया, सेकंड बार कर दिया आपने, ठीक है जी, सेकंड बार कर दिया, फिर दोबारा कर दिया, उसके बाद और कर दिया, तो क्या होगा, सेकंड अपराध क्या कर दिया अगर आपने, मतलब सेकंड का मतलब यही अपराध आपने फिर से कर दिया, तो कन्विक्शन अगर आपको होता है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years, 6 महीने से नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने से कम का नहीं होगा इस बार, पिछली बार तो कोई फर्स्ट में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन सेकंड में मिनिमम भी है, कम से कम 6 महीना और विच मे एक्सटेंड टू 5 years, विच मे एक्सटेंड टू 5 years, जो 5 साल तक का हो सकता है, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम में 2 साल तक ही था मैक्सिमम, इस बार सेकंड टाइम में मैक्सिमम 5 साल तक का है, and or also with a fine not less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, और जो fine है वो not less than कितना 10,000, वहाँ पर तो maximum 2,000 था पहली बार में तो, लेकिन दूसरी बार में कम से कम 10,000 और maximum 1 lakh rupees, इसका 10 गुना है 10 का, ठीक है जी, तो अगर आप दोबारा अपराध करेंगे इस एक्ट में तो 1 lakh rupees तक का जुर्माना आपको लग सकता है, 5 साल तक की जेल हो सकती है, subject to minimum कम से कम 6 महीना और कम से कम 10,000 रुपए, ये हो गया इसका पेनल प्रोविजन, फर्स्ट बार करेंगे तो क्या, सेकंड बार करेंगे तो क्या, ठीक है जी। अब आती है सेक्शन 7, ऑफिसर्स बाय कंपनीज, ये तो बहुत सिंपल है, जो एक ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो वही रेस्पॉन्सिबल होगा, और वो अगर ये प्रूव कर देता है कि नहीं जी मैंने पूरी कोशिश की थी अपराध को रोकने की, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने डिफेंस पे सब बातें बोल सकता है, जनरली सभी एक्ट में सिमिलरली प्रोविजन होता है, और यहाँ पर कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट में फर्म भी, फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, सबके ऊपर यह सेक्शन उस तरह से अप्लाई होगा, और डायरेक्टर का मतलब होता है, डायरेक्टर की बात हो रही तो फर्म के केस में पार्टनर को आप डायरेक्टर मान लीजिए लाइबिलिटी के पर्पज से,
ठीक है। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 8। इस अपराध, इसके अपराधों की प्रकृति क्या है? अगर आपने अपराध कर दिया, पैम्पलेट छाप दिए, ये विज्ञापन आपने दे दिया, तो आपको गिरफ्तार करने के लिए क्या वारंट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट नहीं चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब देखिए यहाँ पर भले ही ऑफेंस की फर्स्ट टाइम ऑफेंस में लिमिट 2 साल तक का मैक्सिमम है, लेकिन ये अपराध कॉग्निजेबल है इसके एक्ट के अंतर्गत। नथिंग कंटेंट ये और सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो तो भी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल। एक तो इस अपराध, इसके अपराध जो है वो बेलेबल होंगे, जमानती होंगे। दूसरा, ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध होंगे, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये कुछ नहीं है, इसमें कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब नॉन बेलेबल नहीं मान लेना है, आमतौर पर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉग्निजेबल है और वो बेलेबल भी है। अब किसी व्यक्ति ने सद विश्वास से कोई काम किया तो क्या कर दोगे आप? तो भी उसको सजा दोगे? नहीं दोगे। कोई आदमी, कोई ऑफिसर अगर गुड फेथ में कोई काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसके खिलाफ कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर। अब आता है सेक्शन 10, रूल बनाने का पावर किसको है? अब चूंकि सेंट्रल एक्ट है, यूनियन का एक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रूल बना सकती है ऑफिशियल गजट पास करके। और रूल किस बारे में हो सकते हैं? रूल बनाएगी, रूल किस बारे में बनाएगी? रूल इसको सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, इस एक्ट को लागू करने के लिए होते हैं। तो द मैनर इन विच द सीजर ऑफ एडवर्टीजमेंट और आर्टिकल शैल बी मेड एंड द मैनर इन विच द सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। देखिए यहाँ पर मैनर बता रहा है, मैनर किस बात का, तरीका किस चीज का, सीज करने का तरीका एडवर्टीजमेंट वगैरह को। दूसरा, मैनर इन विच द सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, जो सीजर किया गया उसको लिस्ट किस तरीके से बनाया जाएगा उस तरीका। एंड डिलीवर टू द पर्सन टू हूम फॉर हूम फ्रॉम हूज कस्टडी एनी एडवर्टीजमेंट और अदर आर्टिकल हैज बीन सीज्ड। देखो तीन मैनर हो गए यहाँ पर, मैनर सीज करने का मैनर, एडवर्टीजमेंट को आपने कैसे सीज करना है, किस तरीके से सीज करना है। दूसरा, मैनर इन विच द सीजर लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, किस तरीके से आप सीजर लिस्ट बनाओगे, और जिस व्यक्ति से जब्त किया था उसको वापस डिलीवर भी तो करना है, लेके थोड़ी बैठ जाएंगे हम, उसको डिलीवर करने का क्या तरीका होगा वो इसमें बात की गई है। और क्या होगा, एनी अदर मैटर विच मे बी रिक्वायर्ड और मे बी प्रेस, बाकी जो भी जरूरत पड़े उसकी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट में लीक किए जाएंगे 30 डेज के लिए, सब जनरल प्रोविजन है, इसमें पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए, इसको क्वेश्चन आने की संभावना इसमें से बहुत कम है। ठीक है जी, तो ये था आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट। टोटल 10 सेक्शन है इसके अंदर, कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस होंगे इसमें, महिलाओं के अभद्र रूपण की रोकथाम करता है ये अधिनियम। बहुत बहुत धन्यवाद।